सामान्य शिक्षा और बेलगाम फीस पर रोक लगाने की मांग लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उठी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार कोरी की तरफ से यह मांग हुई है कि निजी स्कूल बेलगाम फीस ले रहे हैं, जिससे कम आय या मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षा दिलाने में दांतों पसीना आ रहा है, क्योंकि बच्चों को बुनियादी शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है तो हम अच्छे भारत का सपना कैसे देख सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात में चिट्ठी लिखकर इस गंभीर समस्या से अवगत भी कराया, पर उनका ध्यान इस जटिल समस्या पर ना होकर दूसरे मुद्दों पर रहता है और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती और ना ही इन स्कूलों पर कोई लगाम लगाने वाला ही रह गया है। आज हाल ये है कि किसी भी मंत्री या अधिकारी या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे आज सरकारी स्कूल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जो बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वह हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं और ना ही इन बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाता है। जो मंत्री सरकारी स्कूलों की वकालत करते हैं उन्हीं के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, फिर अच्छे भारत की कल्पना करना ही बेमानी होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस बारे में सोचना होगा। अगर हमारे बच्चे ही शिक्षा ना पा सकें तो हम लोगों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरुण कुमार कोरी ने कहा कि शिक्षा ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है, स्कूलों को अब दुकानों का दर्जा मिल गया है, जो देश और देश के लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक बात होगी। इसीलिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस ओर ध्यान देना होगा। इस मुद्दे पर हमारी जनता से भी बात हुई तो जनता का भी यही मानना था कि बेलगाम फीस पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार को हमने सुझाव दिया, जो प्रेस के माध्यम से हम सुझाव देते हैं कि देश के विकास के हित के लिए विकास के रास्ते पर लाने के लिए जनहित में समान शिक्षा समान फीस लागू करें और निजीकरण में जो इंडस्ट्रीज एरिया है इंडस्ट्रीज कंपनी है निजी शिक्षा नीत है इसमें समान शिक्षा लागू करते हुए और निजीकरण में अनुसूचित जात अदर बैकवर्ड अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य के बच्चों को निजीकरण में भागीदारी दें आरक्षण दें जिससे हमारा देश चौमुखी विकास की तरफ जा सके। अच्छे और देश को भूखों हमारे गरीबों को भूखों से मरने से बचाया जा सके ये हमारी मांग जो सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री से सुझाव करके किया जा रहा है जिससे दोनों सदनों में चर्चा चलाएं और दोनों सदनों में चर्चा चला के उसको एक शासनादेश लाएं उसमें लागू करें। निजीकरण बंद नहीं होना चाहिए। निजीकरण जो लागू हुआ है जो बढ़ावा दिया है डिजिटल बढ़ावा दिया है निजीकरण बढ़ावा हुआ है उसी क्रम में अगर निजीकरण में आरक्षण लागू हो जाता है अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को भागीदारी मिल जाती है तो शायद इस देश जो है पुनः सोने की चिड़िया। अरुण कोरी जी एक ये भी मसला है कि जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी फीस ले रहे हैं के लगाम को लगाने के लिए समान शिक्षा समान फीस को ये भी दोनों सदनों में चलना चाहिए दोनों सदनों में चर्चा करा के बिल पास होना चाहिए शासनादेश लागू होना चाहिए ये संसद के दोनों सदनों में प्रदेश को ये भागीदारी। महंगी शिक्षा के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी की आवाज में अब कांग्रेस पार्टी भी आवाज मिला रही है। कुमार कोरी ने सामान्य शिक्षा का मुद्दा उठाया और मांग की कि बढ़ती हुई फीस पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर खलील ने भी शिक्षा के व्यवसायीकरण से इनकार नहीं किया और कहा कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और अच्छे टीचर की भर्ती भी होनी चाहिए क्योंकि यह जनहित से जुड़ा मामला है। इस परेशानी से करोड़ों लोग खास तौर पर मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा परेशान हैं। डॉक्टर खलील ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीबों को शिक्षा दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। बात मंगल ग्रह की बात भी आज के दौर के लिए जरूरी बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह की जाने की बात करते हैं तो हमको हक नहीं है। हम बात करते हैं हम जाने कोशिश करते हैं इसके लिए हमारे वैज्ञानिक रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा की बात है तो शिक्षा में रोज पे रोज गिरावट आ रही है।
सरकारें जो है इससे आंख फेर चुकी है। इसका दोषी कौन है? सरकार प्रेजेंट है, इसको आम आदमी को आप दोषारोप थोड़ी कर सकते हैं। अगर फीस तय नहीं कर रही है तो सरकार नहीं तय कर रही है, अगर दोहन हो रहा है पेरेंट्स का तो सरकार करा रही है, उसकी देखरेख में दोहन हो रहा है, बड़े लोगों के स्कूल है उन पर नकेल कस नहीं रही है सरकार, तो गरीबों का शोषण या मिडिल क्लास जो मर रहा है अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी तो सीधे इन्हीं लोगों की है भाई, कानून तो सरकार बनाती है ना। वहीं मुद्दे पर गंभीर होते हुए दैनिक समाचार पत्र तरुण मित्र के फैजाबाद संस्करण के संपादक राजेंद्र यादव ने कहा कि वाकई ये गंभीर मुद्दा है और इसमें तमाम समाज सेवी संस्था और सोशल वर्कर को आगे आना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं कि शिक्षा के बढ़ते हुए व्यवसायीकरण को रोका जाना चाहिए ताकि गरीबों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस मसले पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी शिक्षा माफियाओं पर रोक लग सकेगी। शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के नाम पर लूट लूटी हुई है, अभिभावकों को लूटा जा रहा है, बेतरकीब फीसें ली जा रही हैं जिससे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है जिसके कारण गरीब लोग अपने पेट काट के किसी तरह प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं, उनकी मेहनत का भी ये लोग लूट कर रहे हैं। इस तरह से खुली लूट हो रही है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है लगाम लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल लगाम लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर प्रशासन शासन को चाहिए इस पर टाइट हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे। जब तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो फिर और सुधार कैसे होगा? लोक जनशक्ति पार्टी की आवाज को और बुलंद करने के लिए कई लोगों ने अपनी आवाज मिला दी है। सोनी तिवारी का मानना है कि सबको शिक्षा समान अधिकार मिलना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई बेलगाम फीस पर रोक लगनी चाहिए। सोनी तिवारी ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि सरकारों को इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखने में ये आ रहा है जो प्राइवेट स्कूल है वो बेलगाम फीस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई इनकी वो नियम नहीं है कि जितना भी ले ले, तो ऐसे में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में बड़े कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? इस संबंध में मेरा तो यही कहना है कि चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे वो राजनेता हो या कोई अधिकारी हो, इन लोगों को सबसे पहले ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अच्छे लेवल के लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जिसकी अर्निंग इनकम अधिक है, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में स्ट्रिक्टली इस रूल को लागू किया जाए कि टीचर्स भी अवेयर हों और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो लोग अपने पहले अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएं, जिससे आम जनता तक ये अच्छा संदेश पहुंचे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। आपको लगता है कि फीस कोई निर्धारित होनी चाहिए? फीस तो निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकारी, मेरे ख्याल से सभी सरकारी मान्यता प्राप्त ही विद्यालय हैं, वहीं एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल सीमी मिश्रा का अलग ही तर्क था। उन्होंने इसके पीछे सरकार को दोषी ठहरा दिया। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि वह अपने स्कूलों की तरफ ध्यान दे। कैम्ब्रियन स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि सरकार को अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए, अच्छे टीचर्स रखने चाहिए। सरकार अच्छी तनख्वाह तो देती है पर उन टीचरों पर निगरानी नहीं रखती। उन्होंने नया खुलासा करते हुए कहा कि सरकारी टीचर जिसको 30 से 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है वह अपनी जगह पर 10,000 रुपये देकर किसी भी आदमी को लगा देता है और पूरे महीने की एक हाजिरी एक दिन जाकर भर देता है, और वह टीचर अपनी जगह जिसको लगाता है वह कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ाता है, उसका इतिहास क्रिमिनल तो नहीं, वह उसका ध्यान भी नहीं देता। प्रिंसिपल के इन दावों से सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और सीधा सवाल उन पर भी है जिनको निगरानी रखने का जिम्मा है, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर सीधा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वह भी तो मोटी रकम हर महीने तनख्वाह के रूप में ले रहे हैं पर काम एक पैसे का भी नहीं करते। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है कि कोई जवाबदारी नहीं है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पे कोई
टीचर पहुंचता ही नहीं है। इतनी सैलरीज पे गवर्नमेंट टीचर्स अपॉइंट होते हैं, मगर वो क्योंकि वो थोड़ा सा रूरल एरिया में इंटीरियर्स में होता है, वहाँ पे जाते नहीं हैं। तो जब वो टीचर की रेगुलरिटी नहीं है, टाइम पे नहीं जाते हैं, अपनी जगह किसी और को रखवा देते हैं 5-10 हज़ार में, वो भी नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो टाइम पास करते हैं, तो बच्चे क्यों आएंगे वहाँ पे? फ़र्क तो होगा उसका। आपको लगता है किस तरह का सुधार की ज़रूरत है? एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाएं वहाँ पे, जिससे कि अटेंडेंस पता चले किसकी है, कोई और तो नहीं उसकी जगह साइन करके जा रहे हैं। बायोमेट्रिक में तो आप ये गलती नहीं कर सकते, तो वो करें। थोड़ा सा जवाबदारी, फीडबैक लें हर महीने, हर 2 महीने में एक गवर्नमेंट का फीडबैक होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो फर्जी रजिस्टर बने रहते हैं, नाम लिखे रहते हैं, देखा ही जा रहा है। जैसे जो मध्यम वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बनिस्बत उनके जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त पाते हैं सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। उनको महसूस हो रहा है कि वो, क्योंकि उनका कोई रेगुलरली पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई किताबें नहीं लगी हुई हैं, वो स्कूल जा रहा है, कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वो कहाँ से उसको शिक्षा प्राप्त होगी? और जब शिक्षित नहीं होगा तो हीन भावना तो आएगी उसमें थोड़ी। सरकारी स्कूल में किस किस चीज की सुधार की जरूरत है आपको क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले, बिल्डिंग ठीक ठाक, टूटी फूटी बिल्डिंग है बिल्कुल, बिल्डिंग ठीक होनी चाहिए, बिजली बराबर आनी चाहिए, पीने का पानी साफ सुथरा उनको पहुंचना चाहिए। अब मिड डे मील की जो सुविधा है भी, तो उससे इतने केसेस हो रहे हैं कि पॉइजनिंग के, और बासी खाना, और वो तो, और या अभी न्यूज़ आई थी कि बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है, ये सब गलत काम हो रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए हमने कहा कि एक कोई ना कोई देखने वाला चाहिए, एक आंसरेबल होना चाहिए वहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज और देखने में आ रही है, जो प्राइवेट स्कूल है पे लगाम फीस लेते हैं, इनका कोई मानक नहीं है, आपको क्या लगता है इसमें भी सुधार की गुंजाइश है? देखिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में विजिट करिए, आपको अपने आप फर्क दिखाई पड़ जाएगा, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, आरओ प्योरीफायर वाले पानी के वाटर टैंक्स लगे हुए हैं, और बाथरूम्स आप जाके देख लीजिए, इतने सुविधा वाले अच्छे क्लीन बाथरूम है, जिसमें 2-3 बार स्वीपर आके उनमें फिनाइल डाल के साफ करता है। तो जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अब कंप्यूटर रूम है तो उतने जितने बच्चे हैं उतने कंप्यूटर हैं, उतना उनका मेंटेनेंस भी चाहिए होता है, वैसे ही लैब्स हैं हर वक्त। अगर आपके स्कूल की बात करें, कितनी फीस आप लोग लेते हैं? हम लोग जो सुविधाएँ दे रहे हैं उसके बैलेंस सबसे कम, कंपेयर टू अदर स्कूल आप देखिए तो सबसे कम फीस हम लोग लेते हैं। ये 12th तक है। अच्छा, उनकी फीस कितनी है आपके स्कूल में? डिपेंड करता है, 1 और 2 की अलग है, 3 और 4 की अलग है, इस हिसाब से। मगर फिर भी अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से किसी भी जूनियर जो सेक्शन हैं 5 तक की फीस 1500 से ऊपर नहीं है। अच्छा, सबसे हाई फीस आपके यहाँ कितनी है? हाई फीस सबसे ज़्यादा 2500 है 11th-12th के, जिसमें कि लाइब्रेरी और लैब्स और कंप्यूटर और सारी फीसेस मिलाकर। इस संबंध में जब हमारी टीम ने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह से मिलना चाहा, तो वह कार्यालय से नदारद मिली। बार बार जाने के बाद भी मुलाकात ना हो पाने पर फोन से संपर्क किया गया, पर उन्होंने ससुर की बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, और वक्त ना होने का बहाना बताकर 3 दिन बाद मिलने का समय दिया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अधिकारी कितनी जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और जवाब देने से भाग रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज़ के लिए फैजाबाद से साजिद हुसैन की रिपोर्ट।